दूसरी बार। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। देश मसाले सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। भारत रत्न से अलंकृत पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से विख्यात स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती अयोध्या कांग्रेस जनों ने पूरे श्रद्धा पूर्वक पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में मनाई। सर्वप्रथम उपस्थित कांग्रेस जनों ने इंदिरा जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर अपने प्रिय नेत्री को नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता AICC सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह व संचालन PCC सदस्य मोहम्मद शरीफ ने किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा, इंदिरा गांधी जी सशक्त समर्थ नेतृत्व और अद्भुत प्रबंधन क्षमता की धनी थी। उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नव आयाम स्थापित किए तथा विश्व पटल पर भारत की छवि को नई पहचान मिली। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है। इंदिरा जी द्वारा प्रधानमंत्री काल में किए गए अनेकों देश व जनहित कार्यों को पूरा देश कभी भुला नहीं सकता। वक्ताओं ने कहा, इंदिरा जी ने कहा था कि किसी भी देश की ताकत इस बात में होती है कि वह खुद क्या कर सकता है, न कि इस बात में कि वह औरों से क्या उधार ले सकता है। आज भी अनुकरणीय है, उनकी जयंती पर हम पूरे श्रद्धा पूर्वक शत शत नमन करते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से AICC सदस्य उग्रसेन मिश्रा, PCC सदस्य चेत नारायण सिंह आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। मोहम्मद आजम खान की रिपोर्ट। तरीके कार्यक्रम ये मनाए हैं बताइए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती पर हम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उन्हें याद किया। इंदिरा जी विश्व की महान नेता थी, जिन्होंने 101 देशों का नेतृत्व किया था, जिन्होंने विश्व का भूगोल बदल दिया। उन्होंने गंदगी हटाओ नारा देकर गरीबों गांव गरीबों के लिए जितने काम किए, आज भी वो लोग भूले नहीं हैं। ऐसी महान नेता को हम लोग सत सत नमन करते हैं। हम लोगों से ये अपील करते हैं, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके काम से प्रेरणा देकर देश और समाज के लिए काम करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें। कांग्रेस कार्यालय साधारण रूप से पुष्पांजलि करते हैं और उनको याद करते हैं, उनकी बातों को लोगों के बीच रखते गोष्ठी के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि उनके कामों से प्रेरणा लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दें। आज इस जो है शुभ अवसर पर किस तरीके का संदेश आपका हो? हमें संदेश देंगे कि इंदिरा जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने को बलिदान किया, गांव गरीब के लिए काम किया, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग देश के लिए गांव के लिए गरीबों के लिए काम करें, यही कांग्रेस पार्टी की मजबूती होगी और इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।